हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हम रेलवे ALP के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ का ये पांचवा लेक्चर है। इसमें हम टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें हम एक टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर आप रेलवे ALP के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आप सीधे हमारे इस वीडियो एपिसोड पर आए हैं, तो इससे पहले जो इस सीरीज़ के चार वीडियो एपिसोड हैं उनको ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, ये वीडियो एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जो हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और लाइन से जो इतने भी सवाल आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो सभी हमने इसमें कवर किए हुए हैं। टोटल 33 क्वेश्चन हैं। एक भी सवाल को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है हमारी, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट है और हमारा इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पांचवा एपिसोड है। इसमें हमने 33 क्वेश्चंस यहाँ पर किए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं आपको 5 सेकेंड दूंगा, उसमें आपको अपना आंसर चूज़ कर लेना है, फिर देख लेना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 90 डिग्री कोण ड्रॉ करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आपके पास 5 सेकेंड है फ्रेंड्स। चार ऑप्शन हैं आपके पास, 30-60 ट्राइंगल, प्रोटेक्टर, ड्राफ्टिंग मशीन या फिर ये सभी। सवाल है, 90 डिग्री कोण खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पहले वीडियो लेक्चर दिए होंगे तो उनमें मैंने सिखाया था कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो दो सेट स्क्वायर यानी 30-60 या 45-45 सेट स्क्वायर या प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ हो सकता है, और ड्राफ्टिंग मशीन जो मिनी ड्राफ्टर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी है, ऑप्शन डी आंसर सही है। ठीक है, इन सभी से 90 डिग्री का कोण ड्रॉ किया जा सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा लेड समूह सही क्रम में नहीं है? तो ये लेड समूह में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था 18 प्रकार की पेंसिल होती हैं, 9H से 7B। 9H सबसे कठोरतम होती है और फिर 8H, 7H इस तरीके से ये पेंसिल सॉफ्ट में बदलती चली जाती हैं। सो यहाँ पर हमें चार सीरीज़ दी हुई है, हमें बतानी है कौन सी जो इसमें सीक्वेंस है वो गलत है। ठीक है, इसमें पहली है HHB, B2B और ये सीक्वेंस है। तो आप देख रहे होंगे जो पहली वाली पहला ऑप्शन जो है, इसमें H के बाद F आना था, यहाँ पर फाइन ग्रेड की पेंसिल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी रेखा विमांकन का एक भाग है, यानी कौन सी लाइन डायमेंशन में यूज़ की जाती है, डायमेंशनिंग में यूज़ की जाती है? तो पिछला लेक्चर हमने लाइन पर ही दिया था, उसमें बताया था कि जो लाइंस होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और कैसे उनको कहाँ कहाँ उनका यूज़ होता है, वो सभी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो अगर मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप डायरेक्ट आए हैं इस सीट पर, इस टेस्ट पर, तो फ्रेंड्स हमारे जो चार लेक्चर हैं वो ज़रूर देखें। उनको देखने के बाद ही आप ये टेस्ट सीरीज़ करें, ये टेस्ट करें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि आप फटाफट से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अपने माइंड में सोच लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको टाइम मिल गया है, अब आप आंसर आपने सोच लिया होगा। आंसर क्या है? कौन सा आंसर है? एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, जो एक्सटेंशन लाइन है, प्रसार रेखाएं हैं, उनका यूज़ डायमेंशनिंग में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी रेखा सेक्शन के लिए विशेष है, यानी सेक्शनिंग दिखाने के लिए किस लाइन का यूज़ किया जाता है? तो 5 सेकेंड है आपके पास, सोचिए और इन चार ऑप्शंस में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सो इसमें पहली है ब्रेकिंग लाइंस, फैंटम लाइंस, एक्सटेंशन लाइंस, कटिंग प्लेन। सो मैंने आपको बताया था जो कटिंग प्लेन लाइन है वो उनको सेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सवाल नंबर 4 का आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कटिंग प्लेन लाइन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कोण एक या दोनों ही प्रकार के सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है? 90 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 15 डिग्री। तो आप बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था सेट स्क्वायर के द्वारा 15 डिग्री और उसके मल्टीपल के एंगल बनाए जा सकते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हो कौन सा 15 डिग्री का मल्टीपल नहीं है। 70 डिग्री जो है 15 डिग्री का मल्टीपल नहीं है। तो सही आंसर है बी, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।
इसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, एक ड्राइंग उपकरण सेट में आमतौर पर निम्नलिखित सभी शामिल होते हैं सिवाय इसके की, यानी आपको बताना है ये जो चार यहाँ पर दिए हुए हैं इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ड्राइंग बॉक्स में नहीं होता है। वो कंपास होती है, डिवाइडर्स होता है और बो डिवाइडर भी होता है। स्केल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में नहीं होता है, उसमें कंपास होती हैं सारी या डिवाइडर होते हैं। तो इसमें इसका जो छठे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, स्केल है। ठीक है, इसके बाद है सातवां क्वेश्चन। तो अगर आपने हमारी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो किया है तो आप तेज़ी से इन सभी के आंसर दे रहे होंगे। और फ्रेंड्स, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में। एक नंबर क्या, 0.25 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही कर पाए एग्ज़ाम में उतना ही बेटर है। तो इसके लिए ये जो टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग, अगर आपने एक बार स्टडी कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। अगर 10 सवाल आते हैं तो 10 के 10 बहुत आराम से हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ नहीं है और हमने इसको और भी आसान करके आपको सिखाया है। ठीक है, अभी जो टॉपिक रह रहे हैं उनकी वीडियो लेक्चर भी अभी आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा लाइन प्रकार पतला और हल्का है? विच लाइन टाइप इज थिन एंड लाइट? विजिबल लाइन, सेंट्रल लाइंस, कंस्ट्रक्शन लाइंस और ऑल ऑफ द अबव। इसमें पूछा गया है कि इन लाइंस में से कौन सी लाइन हम थिन और लाइट बनाते हैं। ठीक है, विजिबल लाइन, सेंट्रल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन या ऑल ऑफ द अबव। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप देखें कौन सा आंसर सही है। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी लाइन का क्या क्या यूज़ होता है, कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है लाइन्स का। तो विजिबल लाइन को थिक लाइन के द्वारा बनाया जाता है, सेंट्रल लाइन को डॉटेड लाइन के द्वारा बनाया जाता है, ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन्स हैं इनको ही थिन और लाइट रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है विच लाइन टाइप इज़ थिक एंड ब्लैक, कौन सी रेखा प्रकार मोटी और काली बनाई जाती है। ठीक है, विजिबल लाइन, सेंट्रल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन या नन ऑफ दीज। तो अभी बताया मैंने सातवें क्वेश्चन में बताया जो विजिबल लाइन्स है वो थिक एंड ब्लैक, ठीक है, मोटी जो प्रकार की लाइन है उससे बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है 9th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लाइन हैज़ प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर टाइप ऑफ लाइन्स, यानी अन्य सभी प्रकार की लाइनों पर किस प्रकार की रेखा को प्राथमिकता दी जाती है। अगर कहीं पर ये तीन लाइन यहाँ पर दी हुई हैं, हिडन लाइन, सेंट्रल लाइन, विजिबल लाइन, इनमें से कौन सी लाइन को सबसे पहले आप प्राथमिकता दोगे। सो राइट आंसर है सी, जो विजिबल लाइन है उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, लाइनों की प्राथमिकता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला है हिडन लाइन हैज़ प्रेसिडेंस ओवर अ सेंट्रल लाइन, यानी जो हिडन लाइन है उनको सेंट्रल लाइन से पहले प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल लाइन को विजिबल लाइन से पहले प्राथमिकता दी जाती है, ये गलत है, असत्य है। तीसरा है विजिबल लाइन को मिडल लाइन से पहले प्राथमिकता दी जाती है, ये भी गलत है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है हिडन लाइन हैज़ प्रेसिडेंस ओवर अ सेंट्रल लाइन, ये सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद 11वें क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। सवाल है मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ में इंजीनियरिंग चित्रों और डिज़ाइन के लिए माप की प्राथमिक इकाई है, यानी जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में उनकी जो स्केल ली जाती है, उनका जो इकाई ली जाती है, दूरी की जो इकाई ली जाती है वो क्या ली जाती है। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना मिलीमीटर में ली जाती है। अगर कहीं पर विशेष रूप से बोला गया है तो अदर डायमेंशन, अदर यूनिट ली जाएगी, परंतु अगर कुछ भी नहीं बोला है तो वहाँ पर आपको अंडरस्टूड होना चाहिए वो जो डायमेंशन है वो मिलीमीटर में रहेगी सदैव। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। सवाल नंबर 12, लीडर लाइन के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है, ये भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ऑप्शन को पढ़ते ही आंसर दे दोगे आई थिंक। कंटिन्यूअस थिक लाइन, चेन लॉन्ग चेन थिन लाइन, कंटिन्यूअस थिन वेवी लाइन, कंटिन्यूअस लाइन, कौन सा आंसर सही है दोस्तों? आंसर नंबर सी, लीडर लाइन को कंटिन्यूअस थिन लाइन से बनाया जा सकता है, वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, और लीडर लाइन का काम क्या होता है और कैसे ड्रॉ की जाती है ये भी हमने पिछले लेक्चर में बताया था। फ्रेंच कर्व का उपयोग बनाने के लिए होता है, फ्रेंच कर्व का उपयोग
सर्कल बनाने के लिए होता है, या फिर इलिप्स बनाने के लिए होता है, या कर्व बनाने के लिए होता है, या पॉलीगन बनाने के लिए होता है। तो इसका आंसर आपने झट से दे दिया होगा, आंसर नंबर सी, कर्व बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज़ होता है। फ्रेंच कर्व एक कर्व्ड शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा इरेगुलर कर्व बनाए जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, ड्राफ्टर के कार्य हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी संकेंद्री वृत्त खींचना जिनका केंद्र एक ही हो, वक्र खींचना, या ये सभी। ठीक है, देखो ड्राफ्टर से कभी भी हम सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो बी और डी आंसर तो हट गया यहाँ से, और कर्व भी नहीं ड्रॉ कर सकते हम। तो आंसर कौन सा सही हो गया? आंसर नंबर ए सही है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल लेड्स इज हार्डेस्ट, कठोरतम पेंसिल है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नंबर ऑप्शन नंबर ए है एच, बी है बी, सी ऑप्शन है एच बी, और डी ऑप्शन है एफ। तो इनमें से बताना है सबसे हार्डेस्ट पेंसिल कौन सी है। मैंने आपको बताया अभी जो 18 प्रकार की पेंसिल होती हैं वो हार्डेस्ट से सॉफ्टेस्ट होती है, 9H से 7B तक। 9H सबसे हार्डेस्ट होती है, जो बी और एच बी है, बी सॉफ्ट में आती है और एच बी आती है मीडियम में। तो जो एच टाइप की पेंसिल है, ये जो एच टाइप पेंसिल है, यहाँ पर अभी जो चार ऑप्शन हैं उनमें जो एच टाइप पेंसिल है ये सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है 16 क्वेश्चन, किस उपकरण का उपयोग वक्र खींचने के लिए किया जाता है? अभी इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्रेंच कर्व का उपयोग किया जाता है। पैरेलल लाइंस कैन बी ड्रोन विद द हेल्प ऑफ, समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, समांतर रेखाएं किसके द्वारा खींची जा सकती है? मिनी ड्राफ्टर के द्वारा, यस खींची जा सकती हैं, टी स्क्वायर के द्वारा भी खींची जा सकती हैं, सेट स्क्वायर के द्वारा भी खींची जा सकती है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा सही हुआ? क्वेश्चन आंसर नंबर डी सही है। इसके बाद है 18वां सवाल। फ्रेंड्स ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये विद आंसर की है, सबसे लास्ट में इसमें आपको आंसर की मिलेगी। ठीक है, तो ये स्पेशली आप लोगों के लिए ही मैंने बनाई है, इसको बनाने में मुझे 2 दिन लगे हैं पूरे। 18वां है, अ सीरीज ऑफ पेपर हैज़ लेंथ टू विड्थ रेशियो अप्रॉक्सीमेटली, ड्राइंग शीट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात होता है। हमने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कौन सा होता है, देखते हैं आपको याद है या नहीं है। यस, सी आंसर सही है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। ठीक है, जो ड्राइंग शीट होती है हमारे पास, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है अंडर टू इन रेशो वन होता है, यानी अगर चौड़ाई वन है तो लंबाई कितनी होगी? अंडर रूट टू। इसके बाद 19वां सवाल, निम्न में से किस रेखा को विजिबल आउटलाइन के लिए उपयोग किया जाता है? विजिबल आउटलाइन के लिए ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमेशा थिक लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर इसके बारे में कुछ चीज़ें आई भी थी। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद है 20वां सवाल, निम्न में से किस रेखा को विमा रेखा के लिए उपयोग किया जाता है, यानी डायमेंशन लाइन के लिए? तो आपने पिछला लेक्चर अगर ध्यान से पढ़ा होगा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो लेक्चर में पूरा मटेरियल है उसको आप नोट करें या स्क्रीन शॉट लें, लेकिन उनको ज़रूर अपने पास रखें, उनको रेगुलर स्टडी करते रहें, जिससे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक भी सवाल ऐसा ना लगे कि आप ना कर पाओ। ठीक है, तो 20वां सवाल है, निम्न में से किस रेखा को डायमेंशन लाइन के लिए यूज़ किया जाता है? तो आपने देखा था वहाँ पर जो कंटिन्यूअस थिन लाइन है, सतत पतली रेखा के द्वारा डायमेंशन लाइन, लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ये सभी लाइन्स जो हैं कंटिन्यूअस थिन लाइन के द्वारा ड्रॉ की जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 है, हैचिंग लाइन कितने कोण पर खींची जाती है? जो हैचिंग लाइन है उनका एंगल होता है 45 डिग्री। ये अभी तक जो चार लेक्चर थे उनमें नहीं आया था, तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया है। जो हैचिंग लाइन है, हैचिंग लाइन आपको पता ही होगा, सेक्शन के लिए हम हैचिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को। तो कितने एंगल पर ड्रॉ करते हैं? 45 डिग्री पर। द डॉटेड लाइन्स रिप्रेजेंटेड, बिंदुदार रेखाएँ दर्शाती हैं। ड्रॉइंग में जो डॉटेड लाइन है वो किस पोर्शन को दिखाती हैं? प्रोजेक्शन लाइन, सेंटर लाइन, हैचिंग लाइन, या हिडन एज को, किसको दिखाती हैं? लास्ट लेक्चर अगर आपने दिया होगा तो आप बहुत आराम से बता दोगे आंसर, आंसर नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, वह भाग जो टी स्क्वायर को से संबंधित नहीं है, यानी जो वो पार्ट इसमें से आपको बताना है जो टी स्क्वायर का नहीं है। वर्किंग एज टी स्क्वायर की होती है, ब्लेड भी टी स्क्वायर का, स्टोक भी होता है टी स्क्वायर में, एबनी जो होता है ये ड्रॉइंग बोर्ड का पार्ट होता है।
ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है, डी आंसर सही है। इसके बाद 24 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। स्मॉल बो कंपास कैन ड्रो सर्कल लेस देन मिलीमीटर रेडियस, छोटी बो कंपास के द्वारा कितने मिलीमीटर से कम त्रिज्या के वृत्त बनाए जा सकते हैं, 25 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर। ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जो बो कंपास होती है, छोटी बो कंपास, उसके द्वारा 25 मिलीमीटर से कम जो रेडियस के सर्कल होते हैं वो बनाए जाते हैं। जो लेक्चर नंबर 3 है हमारा, उसमें हमने डिवाइडर और बो कंपास के बारे में बताया है। 25 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपयोग डिवाइडर का एक उपयोग नहीं है। नंबर 1, घुमावदार या सीधी रेखाओं को बराबर भागों में वांछित संख्या में विभाजित करने के लिए। दूसरा है वर्त बनाने के लिए। तो आप सेकंड जैसे ही आंसर पढ़ोगे तो और पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डिवाइडर का कभी भी उपयोग नहीं होता है सर्कल बनाने के लिए। सर्कल बनाने का उपयोग, सर्कल बनाया जाता है कंपास के द्वारा। डिवाइडर का यूज़ होता है सिर्फ डायमेंशन को शीट पर ट्रांसफ़र करने के लिए या किसी लाइन को डिवाइड करने के लिए, ये यूज़ होता है डिवाइडर का। सर्कल कभी भी नहीं बनाया जाता डिवाइडर से। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा उपकरण क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए उपयोग में किया जाता है। जिसने पहला लेक्चर हमारा दिया है बहुत आराम से बता सकता है, आंसर है टी स्क्वायर। यहाँ मिनी ड्राफ्टर भी गिवन है, तो मिनी ड्राफ्टर भी हो सकता है, लेकिन मिनी ड्राफ्टर के और बहुत सारे पर्पज़ होते हैं। यहाँ सीधा सीधा आपसे पूछा गया है ओनली क्षैतिज रेखाएं, तो जो टी स्क्वायर होता है वो केवल क्षैतिज पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी। इसके बाद है 27, जो बड़ी त्रिज्या के वर्त यानी लार्ज साइज के जो सर्कल होते हैं उनको बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बो कंपास का, लेंथनिंग बार का, कंपास डिवाइडर या प्रोटेक्टर्स। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, और लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया है कि अगर आपको लार्ज साइज के सर्कल ड्रॉ करने हैं तो कंपास में एक डिवाइस होती है जिसका नाम है लेंथनिंग बार, इसको जोड़ा जाता है। तो 27वें क्वेश्चन का आंसर है बी, लेंथनिंग बार जोड़ा जाता है लार्ज साइज के सर्कल ड्रॉ करने के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर सेट करने के लिए निम्न में से कौन सा ड्राइंग टूल उपयोग नहीं किया जाता है। ड्राइंग क्लिप्स, ड्राइंग पिंस, डिवाइडर, एडहेसिव टेप। तो ये तो आप बड़े आराम से बता सकते हो, डिवाइडर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ होता है डायमेंशन ट्रांसफ़र करने के लिए, न कि ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार मिलीमीटर में पदनाम A3 का आकार क्या है। आपको यहाँ पर ये ड्राइंग शीट का साइज़ बताना है, A3 साइज़ का जो ड्राइंग शीट होता है वो इनमें से कौन सा है, ये वाला है, बी है, सी है या डी है, ठीक है। तो अगर आपने पहला लेक्चर दिया हुआ है तो आप बड़े आराम से बताओगे कि सर ए है, ठीक है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेड सबसे कठोर है, फिर एक और सवाल आ गया है कठोरतम का। तो 9H से 7B आप जैसे ही करते हो, 9H, 8H, 7H, 6H, यहाँ से ये कठोरनेस इसकी कम होती चली जाती है। यहाँ पर अब देखते हैं H में दो ही है हमारे पास। देख, मैंने आपको बताया B की जब भी बात होगी तो सॉफ्ट, H भी अगर कहीं लिखा होगा तो मीडियम, H कहीं लिखा है तो हार्ड। अब यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं 6H, तो इसमें जो 6H आता है वो हार्डनेस से सॉफ्टनेस की तरफ चलते हुए सबसे पहले आता है, तो इसलिए सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होगी, 6H पेंसिल, जो यहाँ पर गिवन है उनमें से, ठीक है। वैसे अगर हार्डेस्ट की बात करें तो 9H सबसे कठोर पेंसिल होती है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जो है आपको बताना है 210 मिलीमीटर इंटू 297 मिलीमीटर से अगला जो साइज़ होगा वो क्या होगा। फ्रेंड्स ये साइज़ है ड्राइंग शीट का जो A0, A1, A2, A3, A4 और A5 तक गिवन किया जाता है। ये A4 साइज़ है, आपको बताना है इससे नेक्स्ट यानी A5 साइज़। तो इन चार ऑप्शंस में तो आपको बताना है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन पर, बोर्ड के किनारे पर टी स्क्वायर स्लाइड करने के लिए बनाया जाता है। बोर्ड के किनारे पर टी स्क्वायर चलाने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ें जो बनाई जाती है बोर्ड पर। तो इनमें से जो डी है ऑप्शन, एबनी जो है वो बोर्ड के किनारे पर बनाई जाती है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, वार्पिंग क्रिया रोकने के लिए बोर्ड के बैक पर लगाई जाती है। वार्पिंग क्या होता है, जो ड्राइंग बोर्ड जिस लकड़ी से हम बनाते हैं वो लकड़ी मौसम के चेंज होने पर, वायुमंडल के चेंज होने पर उसमें फूल जाती हैं वो, या उनमें गैप आ जाता है, तो उस क्रिया को रोकने के लिए बैटन्स लगाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी
इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ सवाल थे जो लाइन और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एपिसोड में।